दोस्तों यूपीआई के लेकर के एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये है कि पहले आप अगर फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करते थे तो उसके अंदर आपको जो कि डेबिट कार्ड लास्ट 6 डिजिट नंबर जो कि आपको एंटर करना पड़ता था एक्सपायरी डेट, उसके बाद ही आप जो कि फोन पे गूगल पे इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन अब एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये है कि अब आप लोग जो है एटीएम कार्ड से नहीं बल्कि आधार कार्ड से फोन पे गूगल पे जो कि चला पाएंगे, ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अपडेट यह है कि पहले अगर आप लोग फोन पे गूगल पे इस्तेमाल करते थे तो आपको बैंक से जो कि डेबिट कार्ड इश्यू कराना पड़ता था जिसमें आपका एनुअल फीस भी कुछ लगते थे। लेकिन अब आपको जहां पे आप डेबिट कार्ड लास्ट 6 डिजिट नंबर डालते हैं वहीं पे अब एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी फीचर्स आई है, अपडेट आई है कि वहां पे अब आपको अपना आधार कार्ड जो कि एंटर करना होगा, आधार नंबर डालेंगे और आपका जो कि गूगल पे फोन पे चालू हो जाएगा, यूपीआई ट्रांजेक्शन जो कि आप चालू कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है बैंक से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और वही नंबर आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना जरूरी है। अगर एक ही मोबाइल नंबर दोनों जगह आपका लिंक है आधार से भी और बैंक से भी तो आप ट्रांजेक्शन जो कि आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों यह फीचर जो है सितंबर 2021 में ही लागू होना था लेकिन उस समय जो कि सारा प्रोसेस कंप्लीट न होने के कारण लागू नहीं की गई, अब जो है लाइव हो गया है 15 मार्च 2022 में जो कि यह प्रोसेस लाइव हो गया है। लेकिन अभी जो है फिलहाल इसमें थोड़ा सा वर्क बाकी है जिसके वजह से अभी फिलहाल आप लोगों तक जो कि यह सर्विस अवेलेबल नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है। बस कुछ ही दिनों के अंदर जो है यह फीचर जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास कीपैड मोबाइल भी है तो उसमें भी अब आप लोग जो कि यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। 1, 2, 3 पे जो कि नया फीचर लॉन्च हुआ है, इसके अंदर आपको कैसे ट्रांजेक्शन करना है वो सारी बातें इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि 1, 2, 3 पे जो कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर भी अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है उससे भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप यूपीआई ट्रांजेक्शन जो कि कीपैड मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कीपैड मोबाइल भी है तो उस मोबाइल में यही नंबर आपको डायल करना है और डायल करने के बाद यहां से आपको ओके कर लेना है। तो चलिए हम यहां पर ओके कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून, मुमताज अंसारी, वेलकम टू अल्ट्रा कैश बीम वॉइस। नाउ यू कैन ट्रांसफर मनी टू एनीबॉडी, रिचार्ज योर मोबाइल और चेक योर अकाउंट बैलेंस इन दिस कॉल इन अ सिंपल मैनर। प्रेस 1 टू ट्रांसफर मनी, प्रेस 2 टू चेक योर अकाउंट बैलेंस। तो दोस्तों यहां पर मनी ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएंगे, अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो यहां पर 2 दबाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बैलेंस चेक करके ही दिखा देता हूं। तो चलिए हम यहां पर 2 दबा देते हैं। प्रेस हैश टू मैन यू आर चेकिंग बैलेंस ऑफ योर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अकाउंट एंडिंग विद 3720, प्लीज एंटर The 6-digit UPI pin. तो दोस्तों जो भी आपका पिन होगा यूपीआई के अंदर जो भी पिन है वो पिन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। चलिए हम यहाँ से अपना पिन नंबर जो कि एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर 1047 रुपए जो कि मेरे अकाउंट में है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बैलेंस कैसे ट्रांसफर करना है वो तरीका बता देता हूँ। इन अ सिंपल मैनर, प्रेस 1 टू ट्रांसफर मनी, प्रेस 2 टू चेक योर अकाउंट बैलेंस। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको 1 दबाना है। सेंड मनी यूजिंग मोबाइल नंबर, प्रेस 1। सेंड मनी यूजिंग अकाउंट नंबर, प्रेस 2। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट नंबर में सेंड करना चाहते हैं तो 2 दबाएंगे, अगर आप फोन पे गूगल पे भेजना चाहते हैं तो 1 दबाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस भी मोबाइल नंबर में आप पैसा जो कि सेंड करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। Enter the amount you want to transfer. तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डालना है कि आप कितना अमाउंट यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल लेंगे। यू आर ट्रांसफरिंग 100 रुपीज टू एमडी आजम अंसारी। Please enter the 6-digit UPI pin of your
IDBI Bank Limited. उसके बाद यहाँ पर आपको नाम जो कि वेरीफाई कर देगा कि किसके नाम से यह मोबाइल नंबर जो कि फोन पे या गूगल पे चालू है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना UPI पिन डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना UPI पिन डालेंगे तो आपका पैसा जो कि यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप बिना इंटरनेट के कीपैड मोबाइल में भी अब आप UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये था तरीका जो कि कीपैड मोबाइल से UPI ट्रांजेक्शन करने का तरीका, जो कि कैसे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।